नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज फिर मैं बिल्किस के बहाने शबनम की बात करती हूं। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के केस में 11 दोषियों को 15 अगस्त यानी कि ये जो अभी स्वतंत्रता दिवस गया है, अपनी क्षमा नीति के चलते उनको रिहा करने का फैसला किया था। और ये सारा केस क्या है ये भी आप जानना चाहेंगे। मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना के बाद दंगे भड़क गए थे। इस दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद के लिमखेड़ा तालुका में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया गया और फिर उसी के आंखों के सामने उसके परिवार के 14 सदस्यों को उत्तेजित भीड़ ने मार डाला था। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के इस घटना के बाद 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि इनको 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। और इस रिहाई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में ये कहा गया है कि इनको क्यों छोड़ा गया है। अच्छा, न्यायमूर्ति रस्तोगी ने सिब्बल से ये पूछा कि आजीवन सजा पाने वाले दोषियों को अक्सर छूट दी जाती है, तो फिर इस मामले में अपवाद क्या है? आप दोस्तों गौर करिए, हमारे माननीय न्यायाधीश खुद कह रहे हैं कि आजीवन सजा पाने वाले दोषियों को अक्सर छूट दी जाती है, तो फिर इस मामले में अपवाद क्यों? ये उन्होंने जवाब दिया है सिब्बल को। और मैं आपको बताती हूँ कि इस मामले में महुआ मोइत्रा, जो ममता दीदी की कैबिनेट में है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली, रूपरेखा वर्मा और रेती लाल की तरफ से कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ठीक है, अब मैं आती हूँ शबनम की तरफ। शबनम, जिसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को अपने प्रेमी की मदद से मार दिया था, ऐसा पुलिस ने दस्तावेज जजेस के सामने रखा, क्योंकि उस समय शबनम की किसी ने सुनी नहीं और शबनम इतनी प्रेशर में थी, उधर पुलिस इतनी प्रेशर में थी कि किसी को इतना समय नहीं था कि कोई शबनम की बात भी सुने। और चूंकि ये केस अपने आप ही पुलिस ने इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऊपर मुख्यमंत्री को जवाब देना था कि हमने ये केस सॉल्व कर लिया है, तो किसी तरीके से उनको अपनी एक फाइल तैयार करनी थी। और उसी सबूत के आधार पे शबनम को पहले लोअर कोर्ट से, अपर कोर्ट से, देन फिर सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा होती है। अब शबनम की किस्मत देखिए, शबनम उस समय गर्भवती होती है, 2 महीने का गर्भ होता है उसका, जिसके लिए सलीम ने ये कहा है कि मेरा बच्चा नहीं है। ताज, जिसकी अक्सर बात होती है जब शबनम की बात होती है, तो ताज का क्या कसूर है? यहाँ पर बिल्किस बानो के लिए कई लोग खड़े हैं लड़ने के लिए कि उसके दोषियों को बाहर क्यों निकाला है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उन 11 लोगों ने अपनी सजा को भुगत लिया है। दोस्तों, जो जेलें होती हैं या जो हमारा कानून है, वो अपनी गलती के प्रति इंसान को अवेयर करने के लिए, उसको दिमागी रूप से, उसके दिल में अपने किए पे पछतावा के लिए उसको सुधारने का एक मौका देता है। सजा का यही मतलब होता है। और जैसा कि इन 11 लोगों को छोड़ा गया, तो यही सोच करके उन्हें समाधान दिया गया। और शबनम, यहाँ शबनम जैसे हजारों 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 लोग हैं जिनके शायद दोष पे कभी किसी ने इतना गौर भी नहीं किया है, और वो लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनके लिए कोई पैरवी करने वाला नहीं है। यहाँ तो हमारे आदरणीय न्यायाधीश महोदय ने ये सिब्बल साहब से पूछा कि आजीवन सजा पाने वाले दोषियों को अक्सर छूट दी जाती है, तो फिर इस मामले में क्या अपवाद है? अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जेलों पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतने सारे मामले पेंडिंग में चल रहे, इतनी पेंडेंसी है कि उस पर क्या बात की जाए।
वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो मैं जो मेन बात है, मैं शबनम का जब केस शुरू होता है तो शबनम को एक वकील भी मुहैया नहीं करवाया गया था, उसके केस की पैरवी भी वैसी होनी थी। यहाँ तो बिल्किस के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं उसके खिलाफ में भी और उसके साथ भी, लेकिन शबनम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में क्या क्या कुछ है समाधान के लिए, जिसमें सुप्रीम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि 14 वर्ष की जेल होने के पहले भी कैदियों को समाधान दिया जा सकता है। और इस पर समाधान की राज्यपाल की जो पावर है सीआरपीसी की धारा 433A के तहत किए गए प्रावधान को बताती है, जिसमें ये कहा गया है कि कैदी को 14 वर्ष की जेल के बाद भी माफ किया जा सकता है। एक और बात, धारा 433A में ये भी कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मृत्युदंड कानून द्वारा प्रदान की गई सजा में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत बदल दिया जाता है, ऐसे में आजीवन कारावास के तहत व्यक्ति को तब तक जेल में से रिहा नहीं कर दिया जाता जब तक उसने कम से कम 14 वर्ष की सजा ना काट ली हो। अब आप थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ अभी जो फांसी की सजा है वो कायम है अपनी जगह, ठीक है। जब हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल थी, उस समय उन्होंने जो उनके पास फाइलें थी समाधान के लिए, मर्सी पिटीशन जितनी भी थी, उन्होंने उन सबको क्लियर कर दिया था। उनमें से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 50 से ऊपर लोग थे जिनको इस तरह की सजा मिली हुई थी, और तब ये भी कहा जा रहा था कि हरियाणा की जो सोनिया है शायद उसको शबनम से पहले फांसी की सजा हो जाए, लेकिन वो सारी पेंडेंसी उनके कार्यकाल में क्लियर हो जाती है और उनकी जो सजा है वो आजीवन कारावास में हो जाती है। तो जाहिर सी बात है 14 साल के बाद उनको फिर बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। एक और बात, धारा 433A किसी भी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को क्षमा देने की संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 161 के तहत एक कैदी को क्षमा करने की राज्यपाल की जो शक्ति है वास्तव में राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाती है, यानी कि राज्य सरकार की सलाह राज्य के उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी होती है, यानी कि उनको मानना होता है। यानी कि एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सरकार अगर चाहे तो फटाफट से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जैसे इन 11 लोगों को आज़ादी मिली है जेल से, वैसे ही किसी को भी उनकी सजा में वो चेंज कर सकती है। और रिहाई की कार्रवाई इस प्रकार की एक सरकारी निर्णय के अनुसार हो सकती है और राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी आदेश जारी किया जा सकता है, जिसके लिए शबनम की जो वकील हैं हाईकोर्ट की एडवोकेट सहर नकवी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय कि शबनम को भी सरकार की तरफ से, जो सरकार के पास एक अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी कि हमारे मुख्यमंत्री के पास, तो उसको भी इस्तेमाल करके वो शबनम को रिहा कराना चाहती है। शबनम ही नहीं, ऐसी कई और सजायाफ्ता जो कैदी हैं उनके लिए भी वो ऐसी बात कहती है। अच्छा, यदि कोई कैदी 14 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है तो सरकार, राज्य सरकार समय से पहले रिहाई का आदेश पारित करने के लिए वो कैपेबल है, सक्षम है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 सरकार को सजा माफ करने का अधिकार देती है और राष्ट्रपति के पास भी मर्सी पिटीशन इसीलिए जाती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम से कम करने की उनके पास पावर होती है, जहां दंड मौत की सजा के रूप में भी है।
आप समझने की कोशिश करिए, जहाँ फांसी की सजा भी है वहाँ भी उनके पास पूरी पावर है और ताज ने, शबनम के बेटे ने एक मर्सी पिटीशन की थी जिसको वहाँ से नामंजूर कर दिया गया। एनी हाउ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी एक पावर बची हुई है, यानी कि शबनम के पास विकल्प है कि वो बाहर की दुनिया देखे। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर के समाधान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ये उनकी सीमाओं में एक कॉलम बनाया गया है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करना होगा। ये कुछ हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, मैं आपको एक मामले का बताती हूँ, जिक्र करती हूँ। इन मामलों में अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो 1980 में मारू राम बनाव भारत संघ और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केसेस शामिल हैं, और आप जानते हैं धनंजय चटर्जी को फांसी हो गई थी। अब तक की जब मैं बात कर रही हूँ ये आखिरी फांसी है। और हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्य हैं अनुच्छेद 74, उसे एक बार फिर से उस पर विचार करने के लिए, उसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि जो राज्यपाल की क्षमा शक्ति है, या जो कहना चाहिए राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, इसके ऊपर भी बहुत सारे पहरे हैं। अब मैं राज्यपाल की क्षमा शक्ति की बात करती हूँ। राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का दायरा, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति से बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, परंतु 161 में राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अब आते हैं मौत की सजा में। राष्ट्रपति उन सभी मामलों में समाधान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमा शक्ति मौत की सजा के मामलों तक मतलब इसकी उनको पावर नहीं है। यानी कि अगर शबनम या ऐसे कई और लोग, उनकी अगर उनके पास पिटीशन जाती है, अर्जी जाती है, तो उनके पास वो अधिकार नहीं है। वो इसके लिए बकायदा पहले एक समिति की सलाह लेंगे, तब वो इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि शबनम के मामले में भी फिलहाल जो प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन, उन्होंने एक नोट लगा करके उसको आगे सरकार को भेजा हुआ है। अब सरकार का रोल यहाँ से शुरू होता है कि सरकार चाहे तो अपने क्षमा दान शक्ति जो है उसका इस्तेमाल करे, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हाईकोर्ट की एडवोकेट जो हैं सैन नकवी पूरी कोशिश कर रही हैं। इसकी कुछ शर्तें भी हैं, वो भी दोस्तों आप समझ लीजिए। आप मुझसे बार बार सवाल करते हो कि अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने शबनम ने अपराध किया है, उसको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी कहती हूँ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे कि मतलब हजारों हजार जो व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि उसके बेटे का ख्याल रखना चाहिए उसको सजा देते समय। तो बींग अ लेडी मुझे भी लगता है, और जो उसकी वकील हैं सहन नकवी, वो भी एक महिला है, तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ताज के साथ कोई बेईमानी ना हो जाए, ताज के साथ कोई बेइंसाफी ना हो जाए। एग्जैक्ट वर्ड है बेइंसाफी ना हो जाए। वो बच्चा है, उससे माँ का प्यार छीना नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रही थी शर्तों की। तो क्षमा में बहुत सारी शर्तें भी हैं। इसमें जो दंड का आदेश है और जो दोष सिद्धि है, दोनों से मुक्ति देना शामिल है।
मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। हालांकि फिर मैं आपको बताती हूँ कि राज्यपाल अपराध के फलस्वरूप सजा का प्रावधान, मतलब सजा को कम कर सकता है। आप समझिए बात को, वो सजा को कुछ उसमें चेंज कर सकता है। एक इसमें और क्लॉज है लघुकरण की, इसमें दंड के स्वरूप को बदल कर कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए अगर मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना है तो इसके लिए भी उनके पास पावर है। अच्छा, उनके पास कुछ और भी पावर्स हैं। इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जाना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, एक और क्लॉज है विराम, इसके तहत किसी दोषी को जो सजा मिली हुई है मूल रूप से उसके प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। मसलन महिला की गर्भावस्था की जो अवधि है के कारण उसको सजा में परिवर्तन किया जा सकता है। मैं आपको फिर से रोकती हूँ, जिस समय शबनम को ये दंड मिलता है जब वो जेल जाती है तो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। हालांकि जो उसकी सजा का निर्धारण होता है वो उस समय तक ताज पैदा हो चुका था, लेकिन फिर वही बात आती है कि शबनम के केस में किसी ने ठीक से पैरवी की ही नहीं, उसके पास वकील ही नहीं था तो उसकी पैरवी करता कौन। अच्छा, मैं वो जिस बात की मैं चर्चा कर रही हूँ कि क्या क्या नियम है, एक और क्लॉज है इसका जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, जो मेरे दोस्त कानून को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि प्रविलंबन, इसके तहत क्षमा या उसको कम करने की कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ाना या किसी दंड पे अस्थायी रोक लगाना, इन सब की पावर भी राज्यपाल के पास है। तो आपको जो मैंने इतनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है, सजा को कम करने, समाधान शक्ति, एक वर्ड अभी अभी चर्चा में आया है क्योंकि 11 लोगों को रिहा किया गया है 15 अगस्त के दिन, तो मैंने सोचा कि आपसे इससे जुड़े हुए जितने भी नियम हैं सब आपसे मैं शेयर करूं, ताकि आप अनावश्यक रूप से कभी शबनम के लिए सजा उसको दीजिए, कभी उसको सजा ना दीजिए, ऐसे कोई सवाल ना उठे। नियमानुसार जो भी उसके साथ होना है उसके लिए उसके वकील साहिबा सेहर नकवी पूरे दमखम से जुटी हुई है, और बस सवाल एक है कि शबनम के साथ कोई लड़ने के लिए है ही नहीं। जबकि यहाँ अगर मैं बिल्किस का केस देखती हूँ तो उसके साथ तमाम पॉलिटिकल फिगर, क्योंकि ये पूरा मामला एक राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुका था और अब फिर से है, और इसलिए उसके साथ बहुत सारे लोग थे, उसके खिलाफ में भी और उसके साथ भी। अब फिर से जब 11 दोषियों को रिहा किया गया है तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, उसके साथ भी हैं, उसके साथ हैं TMC की महुआ मोइत्रा और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुभाषनी अली हैं, रूपरेखा वर्मा हैं, रेवती लाल हैं, उन लोगों ने एक याचिका दायर भी की है कि उन्हें क्यों छोड़ा गया है 11 लोगों को। और मैंने आपको फिर से जिक्र किया था कि न्यायमूर्ति रस्तोगी ने सिब्बल से खुद ही पूछा है कि आजीवन सजा पाने वाले दोषी को अक्सर छूट दी जाती रही है, तो फिर इस मामले में क्यों। और मैं यहीं पे न्यायमूर्ति रस्तोगी जी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि शबनम के मामले में अभी तक उसके केस को कितनी बार कहा गया है, उसने कितनी बार फरियाद की है शबनम ने कि मेरा मीडिया ट्रायल हो, मेरे केस को CBI को दिया जाए, उसके केस को रीओपन किया जाए, तो उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा।
और मैं उन सब तमाम जो एनजीओस हैं, मैं उनसे भी ये बात करती हूँ कि उसके लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ। आपको डिक्रीज दिख रही है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन आपको और दूसरे जो जेलों में लोग हैं, मैं सिर्फ शबनम की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, अपराध जब इंसान करता है, बहुत सारे चीज़ें उसमें सच होती हैं, बहुत सारी झूठ होती हैं। अदालतें वही देखती हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और दिखाने वाले लोग पुलिस के होते हैं। तो सब कुछ आपको भी पता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत बार अपने ही दिए हुए फैसलों को पलटता भी है, हाई कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसलों को पलटता भी है। तो फिर जो लोग इस समय जेलों में हैं, जो लोग सजा अपनी पूरी कर चुके हैं, जैसे कि बार बार ये कहा जाता रहा है कि 14 साल सजा के लिए बहुत होते हैं, उसके बाद फिर कोई ना कोई डिसीजन उनके लिए लिया जाता है, तो फिर शबनम के लिए क्यों नहीं। और मेरी आज ही सुबह हाईकोर्ट की वकील जो है, जो शबनम का केस भी देख रही हैं, जो सलीम का भी केस देख रही हैं, उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो सरकार से, प्रदेश सरकार से जो उनके पास एक पावर है समाधान शक्ति की, उसके लिए वो बात करने वाली है। तो लेट्स होप फॉर बेटर। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत रिसर्च की। और शबनम को आप में से बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, उसकी वजह है उसका बच्चा। आप सब लोग ये चाहते हैं कि उस बच्चे से उसकी माँ जुदा ना हो, जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँचे। खैर, ये सब बातें कानून की है, कानून ज़रूर देखेगा इन्हें, और उनकी वकील साहबा जो लगी हुई हैं, उनकी मेहनत भी सफल होगी ज़रूर। आप मुझे मेरे कमेंट के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे कंटेंट के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अक्सर, मैं कोई और वीडियो बनाती हूँ तो आप कहते हैं कि मैं शबनम के बारे में वीडियो बनाऊँ, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अब आज मैंने समाधान शक्ति की बात की है, इसके चलते सरकार अगर चाहेगी तो शबनम को रियायत मिल सकती है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक बात और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, लाइक करने में सिर्फ एक बटन दबाना होता है आपको, कुछ नहीं करना, और सब्सक्राइब करने के लिए भी सिर्फ आपको बेल आइकन दबाना होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कमेंट करेंगे तो उसमें आपको टैक्स ज़रूर करना पड़ेगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।